हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 6। सो द क्वेश्चन 6 इज अ लैंग्वेज स्टेट वेदर और नॉट द एक्सप्रेशन इज अ ट्राइनोमियल स्क्वायर इफ इट इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। So question is given, sixth question is 9x square y square plus 6xyz plus z square. So this is the given question, and if it is the trinomial square means, in last video we discussed three basic identity. First was a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square, that is the square of two terms. First term is a, second term is b, and if we have to find the square of these two terms, then first term square plus twice into first term into second term plus second term square. So if a square plus 2ab plus b square form is given, then it can be expressed as a plus b whole square. So this is trinomial square. ये जो तीन term हैं, इनका perfect square ये है। Similarly, अगर मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना, देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू टर्म होल स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना, तो फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकंड टर्म b, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b का whole square. So this is trinomial square. Okay, so in the given expression, if we write this as 3xy whole square, पहले टर्म को क्या लिख सकते हैं अपन, 3xy का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर, x स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 9xy स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर। एक प्रकार से 9x स्क्वायर y स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो 3xy है, या मैं कहूं कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसका स्क्वायर करने पर 9x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाए, तो 3xy। ओके, मतलब 3xy को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3xy * 3xy। सो 3 3 9x * x, x स्क्वायर y * y स्क्वायर। ओके, देन थर्ड टर्म है आपका z स्क्वायर, तो मैं z का होल स्क्वायर ले सकता हूं। तो पहली टर्म हुई आपकी 3xy, दूसरी टर्म हुई आपकी z। अब अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस मिडिल टर्म हो क्या, तो हम क्या लिख रहे हैं 2 into 3xy into z। देखो तो 3 into 2 तो हो जाएगा 6xyz, xyz इसका मतलब 3xy into z का जो twice है वो मिडिल टर्म है, इट मींस दिस इज ट्राइनोमियल स्क्वायर। तो ये कैसा फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ये ऐसा होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां पर a क्या है 3xy है, b क्या है आपका z है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ये 3xy प्लस z का होल स्क्वायर। सो दिस इज ट्राइनोमियल स्क्वायर। समझ में आया आपको, ट्राइनोमियल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the expression is question number 7. 7 is given 4m square plus 24m plus of 9. So देखिए ये trinomial square है या नहीं, तो 3 term है, देखो पहली term है 4m square, दूसरी term 9 है। 4m को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, 2m का whole square, क्योंकि 2 का square 4 है,
फैक्टर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकता हूं बेटे, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 है। ओके अब देखो तो a कितना हुआ 2m, b कितना हुआ 3। अब अगर इनके मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस, इधर देखिए इनके मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस दैट इज 2m into 3 into 2, अगर इन तीनों के दोनों के मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस, देखो 3 2 जा 6 6 2 जा, ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्या है कि देखो 2m होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 2m ये क्या है ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म के स्क्वायर रूट और लास्ट टर्म के स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस दैट इज ये क्या है 2 into 2m into 3, तो 3 2 जा 6 6 2 जा, ये तो कितना हो रहा 12m ही हो रहा है। ठीक है अगर यहां पर 12m जबकि मिडिल टर्म तो कितना है 24 है और यहां अपना कितना आ रहा 12m, इसका मतलब इट इज Not a trinomial square नहीं है, इसका मतलब इसका perfect square नहीं बन सकता है। ओके ये कहां से पता चल रहा है आपका कि first term के square root और last term के square root का जो double है उसका twice है वो middle term के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या देखा कि सिंस 12m नॉट इक्वल्स टू 24m, अगर ये 12m 24 के मिडिल टर्म के बराबर होता तो ये ट्राइनोमियल स्क्वायर होता, मतलब इन तीन टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आ गया आपको, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको लिखते हैं अपन 16d स्क्वायर माइनस 60dy प्लस 25y स्क्वायर। इधर देखो पहली टर्म क्या है 16b स्क्वायर, तो 16 किसका स्क्वायर है बेटे 4 का, तो 4b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर, और 25y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म जो है वो ट्वाइस इनटू फर्स्ट टर्म 4b इनटू 5y के बराबर होनी चाहिए। अब देखो ये क्या हो रहा है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, 20 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये तो 40 हो रहा है जबकि ये कितना होना चाहिए। सो हियर क्या लिखेंगे, हियर मिडिल टर्म क्या है माइनस 60dy नॉट इक्वल्स टू माइनस 40by। देखो इन दोनों का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट 4b है, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 5y है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डबल। देखो a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर का रूट a, b स्क्वायर का रूट b, तो a और b के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस नेगेटिव अगर ऐसा होता है तो ये ट्राइनोमियल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है तो यहां देखो पहली टर्म का स्क्वायर रूट 4b है, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 5y है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस 60b के अंदर इक्वल होता तो वो तो इक्वल ही नहीं। इसका मतलब यहां अगर 60by की जगह माइनस 40by होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। सो अपन यहां लिखेंगे कि इट इज नॉट ए ट्राइनोमियल स्क्वायर, ये ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है। ट्राइनोमियल स्क्वायर कब होगा, ये ट्राइनोमियल स्क्वायर तब होगा जब ये सवाल 60b स्क्वायर माइनस 40by प्लस 25y स्क्वायर अगर हो। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, यहां पर 60by की जगह अगर माइनस 40by होता तो मैं क्या लिखता है, देखो 4b को तो 16b स्क्वायर को तो मैं 4b का होल स्क्वायर लिख दूंगा माइनस 2 इनटू 4b
इंटू फाइव वाई प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी टू जा फोर्टी, बी वाई, इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस टू बी। देखो ए ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा फोर बी माइनस फाइव वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन होने पर ये ट्राइनोमियल स्क्वायर होगा, अदरवाइज विल नॉट। सो इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करें क्योंकि ये आगे आपको अप टू 10th स्टैंडर्ड तक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटे। 49x की पावर 4 माइनस 112 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 64y की पावर 4। अब देखो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये ट्राइनोमियल स्क्वायर है या नहीं। तो अपन देखो फर्स्ट टर्म देखें और लास्ट टर्म देखें। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 का स्क्वायर रूट 7, x पावर 4 का x स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर लिखूंगा। देखो इधर देखो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर पावर 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 में भी मल्टीप्लाई है ना, तो ये x की पावर 4 हो गया, मतलब पहले टर्म ए हो गया आपका 7x स्क्वायर। ऐसे 64 को क्या ले सकते हैं, 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8, y की पावर 4 को y स्क्वायर का अपन होल स्क्वायर ले सकते हैं 8y स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस माइनस 2 इंटू 7x स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन देखो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना आएगा 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जा 112 और x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, इसका मतलब ये इसके बराबर आ रहा है, मिडिल तक इसके बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये इसके कैसा फॉर्मेट हुआ, इसलिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इसके बराबर होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहां पे इंप्लाई होगी, इंप्लाइज दैट a कितना 7x स्क्वायर, b कितना है 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज ट्राइनोमियल स्क्वायर। क्या है बेटे ये ट्राइनोमियल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्वेश्चन नंबर 10, 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस ऑफ 1। दिस इज द एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमें चेक करना ट्राइनोमियल स्क्वायर है या नहीं है, ऑल द टर्म पॉजिटिव है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा अगर ये ट्राइनोमियल स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b, इन दोनों का ट्वाइस रिजल्ट होना चाहिए। आप देखो पहली टर्म 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 5x into 5x into 1 into 2 middle term के बराबर नहीं है, this is not equal to middle term क्योंकि ये तो 5 2 जाएगा 10x होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि since 2 into 5x into 1 not equals to 20x, so middle term के बराबर नहीं हो रहा है, implies that it is not a ट्राइनोमियल स्क्वायर। मींस ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको नहीं लिख सकते हैं, दिस क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये है x स्क्वायर अपॉन 9y स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 15 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर। आगे देखिए मिडिल टर्म नेगेटिव है सो
इफ इट इज ट्राइनोमाइल स्क्वायर, अगर ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो लेट अस सी, फर्स्ट x अपॉन 3y का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो कैसे, देखो x स्क्वायर का रूट x, 9 का रूट 3, y स्क्वायर का रूट y, तो x अपॉन 3y का होल स्क्वायर माइनस लास्ट वाली टर्म, सबसे पहले लास्ट वन फर्स्ट टर्म का रूट देखते, इधर देखो y स्क्वायर का रूट कितना होगा y, और 25x स्क्वायर का कितना होगा 5x, तो y अपॉन 5x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 इनटू x अपॉन 3y इनटू y अपॉन 5x। अब देखिए x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो ये कितना हो रहा है 5 3 जा 15, 2 अपॉन 15 बन रहा है। इसका मतलब क्या बन रहा है, मिडिल टर्म किसके बराबर आ रही है, माइनस 2 अपॉन 15। इसका मतलब ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। ये देखो x x से कट गया, y y से कट गया, तो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, x अपॉन 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 15 प्लस y अपॉन 5x का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट, इसका मतलब a कितना है x अपॉन 3y, b कितना है y अपॉन 5 ऑफ x का होल स्क्वायर। सो दिस इज, सो इट इज, ये क्या है बेटे, इट इज ट्राइनोमाइल, ट्राइनोमाइल स्क्वायर, क्या है ये, ट्राइनोमाइल स्क्वायर है। सो क्वेश्चन समझ में आया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, a स्क्वायर प्लस ok प्लस 1/4, थ्री पॉजिटिव टर्म है। जब भी थ्री पॉजिटिव टर्म, मतलब मिडिल फर्स्ट और लास्ट टर्म तो पॉजिटिव होगी होगी, ठीक है, अगर मिडिल टर्म है अगर पॉजिटिव है तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर इसका मतलब ट्राइनोमाइल स्क्वायर है, और ट्राइनोमाइल स्क्वायर उल्टा है कि अगर कोई एक्सप्रेशन ट्राइनोमाइल स्क्वायर है तो वो a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट का होगा, और अगर कोई टर्म a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है तो वो मिडिल टर्म उसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देखो इसमें तीनों टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब इफ इट इज ट्राइनोमाइल स्क्वायर, अगर ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो होगा वो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मेट होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर। आप देखिए a को क्या ले सकता हूं, a का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म क्या है a into लास्ट टर्म 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो हमने मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट कर दिया, ट्वाइस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड टर्म, अगर ये प्लस आ रहा है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, देखो ये 2 से 2 कट रहा है, मतलब मिडिल टर्म में a ही तो बच रही है, इसका मतलब ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है, तो इंप्लाइज दैट इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटे, ये a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। सो It is trinomial square। समझ में आ रहा है बहुत से बच्चों को, देखो दो तीन वर्ड है आप अच्छी तरह से समझ ले उनको, इस क्वेश्चन को अपन क्लियर कर देते हैं और फिर से प्यार से बात करते हैं। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है,
आइडेंटिटीज a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है। बार बार मेरा इस वीडियो को देख करके आप समझने की कोशिश करो कि मैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी में यूज ले रहा हूं। फिर से बता रहा हूं, if a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, if three term are given, पहली टर्म को मैं जो भी दे रखा है उसको a स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकता हूं और लास्ट टर्म को b स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दूं। फिर a स्क्वायर का रूट क्या है, a b स्क्वायर का रूट क्या, b स्क्वायर जो भी टर्म है मतलब b स्क्वायर की जगह जो भी नंबर है उसका रूट क्या है, b है। अब देखो a और b जब आपको पता आ जाए तो a और b को मल्टीप्लाई करके ट्वाइस करने पर मिडिल टर्म जो एक्सप्रेशन में दे रखी है वो आपको मिलनी चाहिए। मींस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म का ट्वाइस मिडिल टर्म के इक्वल है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मेट होगा। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है और उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं तो दिस इज नोन एज, दिस इज अ ट्राइनोमियल स्क्वायर, कि तीन टर्म का दो टर्म के स्क्वायर फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। दिस एक्स रिप्रेजेंटेशन ए प्लस बी होल स्क्वायर, किसका रिप्रेजेंटेशन, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई तो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा, तो अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट को a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर मैं लिख सकता हूं तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये ट्राइनोमियल स्क्वायर है। इसका मतलब दो टर्म के सम के स्क्वायर के रूप में इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस दैट दिस इज, ये एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल स्क्वायर है और वो क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी समझते हैं, बहुत सारे सवाल अभी तक अपन ने कर चुके हैं इस पे। देखो दूसरी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक्सप्रेशन आपका ऐसा है, कैसा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इनटू पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म क्या है, a मतलब पहली टर्म है, b दूसरी टर्म है, a और b के प्रोडक्ट का ट्वाइस मिडिल टर्म के बराबर, यहां साइन नेगेटिव है तो मैं इसको लिखूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब मैंने तीन टर्म वाले एक्सप्रेशन को दो टर्म के डिफरेंस के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। तो हमने क्या कहा, In this condition, ये a square minus 2ab plus b square, अगर a minus b के whole square के बराबर हैं, then this expression is trinomial square है। ये trinomial square है, मतलब तीन टर्मों में दो टर्म के difference का whole square ले सकता हूँ। अब आपके पास में एक expression जो भी था, उसको मैंने a plus b के whole square में लिखा। तो वो जो भी एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन क्या था, ट्राइनोमियल स्क्वायर। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा आपको एलजेब्रिक के लिए और उस एक्सप्रेशन को अगर मैं a माइनस b के होल स्क्वायर फॉर्मेट में भी अगर लिख सकता हूं तब भी वो एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल स्क्वायर होगा। तो शायद समझ में आ गया होगा आपको कि ट्राइनोमियल स्क्वायर का मतलब क्या है। और इस प्रोसेस में लिखने का जो पूरा तरीका है वो कहलाता है फैक्टराइजेशन। अब देखो आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13 क्वेश्चन। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया वीडियो को बार बार पॉज करें और बार बार देखें कि मैं क्या बोल रहा हूं। 1 plus 18 PQ plus 81 P square Q square, फिर से देखो कितनी टर्म दे रखी है, इसमें तीन टर्म दे रखी है। तीन टर्म को हमें ये चेक करना है कि ये ट्राइनोमियल स्क्वायर है या नहीं। तो मैं सबसे पहले देखूंगा फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, ये आपकी मिडिल टर्म है और ये आपकी लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, लास्ट टर्म को 9PQ का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 का स्क्वायर 81, P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट 1 है, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 9 PQ।
अगर इन दोनों टर्म के मल्टीप्लीकेशन का मतलब 1 × 9 PQ × 2 किसके बराबर होना चाहिए मिडिल टर्म? आप देखो ये क्या 9 × 2 = 18 PQ, इसका मतलब 1² + 2 × 1 × 9 PQ + 9 PQ² तो अगर मैं 1 को मान a तो ये a स्क्वायर है प्लस 2 इनटू 1 आपका a 9 pq आपका b प्लस b का होल स्क्वायर तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कोऑर्डिनेट है ये किसके बराबर होगा? ये होगा a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 + 9 pq² तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था This expression is trinomial square है और इसका आंसर क्या आ रहा 1 + 9 PQ का होल स्क्वायर। देखिए आगे बढ़े चल क्लियर कर देते आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन है बच्चे बार बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे और समझेंगे जब तक नहीं समझेंगे खाना भी नहीं खाएंगे अभी बोल देंगे सर ने क्या बड़ा जुलम ढा दिया हमारे क्या करना है समझना है खाना नहीं खाने का मतलब ऐसा नहीं भूखे मरेंगे देखिए थ्री टर्म है मिडिल टर्म नेगेटिव है अगर ये ट्राइनोमियल स्क्वायर है तो क्या होगा ट्राइनोमियल स्क्वायर अगर ये है टर्म अभी अपन ने देखा नहीं अभी टेस्ट कर रहे हैं चेक कर रहे हैं इसको देखो फर्स्ट टर्म आपका 4 है लास्ट टर्म 25d² तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर माइनस लगा देता हूं 2 × 4 अब सॉरी 2 फर्स्ट टर्म 2 है ओके आप देखो 25 को क्या लिखता हूं 5b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं तो 8 × 5b अब देखिए अगर फर्स्ट टर्म के स्क्वायर रूट और लास्ट टर्म के स्क्वायर रूट का ट्वाइस फर्स्ट टर्म 2 है लास्ट टर्म 5b तो 5b और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 5b को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 10b और 10b का ट्वाइस मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20b आ रहा मिडिल टर्म भी 20b है और साइन तो माइनस इसलिए बता रहा है कि अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा तो अब यहां देखिए नाउ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर तो यहां देखिए a कितना है 2 b कितना है 5b तो 2 माइनस 5b का होल स्क्वायर क्या है 4 माइनस 20b प्लस 25b स्क्वायर इसका मतलब ये क्या था ट्राइनोमियल स्क्वायर है सो इट इज ट्राइनोमियल स्क्वायर अब होप करता हूं कि बच्चों को ये टर्मोलॉजी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी नहीं समझ में आ रही है तो फिर से बोल रहा हूं वीडियो को पॉज करो रिपीटेडली वीडियो को देखो लास्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है एग्जाम में आने लायक निशान लगा लें 15th क्वेश्चन 4 / 9 x² + 16 / 15 xy + 16 / 25 y² थ्री टर्म है और थ्री टर्म पॉजिटिव है मिडिल टर्म पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि अगर ये ट्राइनोमियल स्क्वायर है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा देखिए देखते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट ये ट्वाइस मिडिल टर्म होना चाहिए देखो 4/9 को क्या लिखता हूं मैं 2/3 x² 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 x² प्लस लास्ट में क्या करेंगे 4/5 y का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 y² का y² अब देखें तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी 2/3x सेकंड टर्म होगी आपकी 4/5y इसका ट्वाइस मिडिल टर्म होना चाहिए देखो इसका ट्वाइस क्या है 4 × 8 × 8 × 16 ये आ गया 5 × 3 = 15 डिनोमिनेटर आ गया x × y xy आ गया
इसका मतलब क्या है, ये मिडिल टर्म आ रही है। तो यस बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपन ने क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर 2 अपॉन 3 एक्स। सो फर्स्ट टर्म इज 2 अपॉन 3 एक्स, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 4 अपॉन 5 वाई होल स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म इज 2 अपॉन 3 एक्स एंड लास्ट टर्म इज, दैट इज सेकंड टर्म इज 4 अपॉन 5 वाई। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस अगर मिडिल टर्म की इक्वल है तब ये फॉर्मेट क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर एंड इट विल बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। मैं ये आपको लैंग्वेज फॉर्म में बोल रहा हूँ, जिसको आप रखते ही ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो ए को मैंने माना फर्स्ट टर्म, बी को माना मैंने सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर होता है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को जिसमें ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट है तो उसको मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, तब ये एक्सप्रेशन एक ट्राइनोमियल स्क्वायर होगा। तो ये इस फॉर्मेट में है जहां फर्स्ट टर्म क्या है 2 अपॉन 3x, सेकंड टर्म क्या है 4 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन 5y होल स्क्वायर। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।